एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल शोभा पारी ब्लॉगर। तो आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है मेरी वीडियो में। तो आज मैं घास लेने जा रही हूँ। तो मैंने सोचा यहाँ से बहुत ही अच्छा दिख रहा था हमारा गांव, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो कैसा लगता है आपको मेरा गाँव तो प्लीज़ बताना। यहाँ से बहुत ही अच्छा दिख रहा है इस टाइम। तो अभी बजे हैं 6 शाम के 6 बजे हैं। तो फ्रेंड, मैं मतलब आप लोगों के साथ इतना कुछ शेयर करती हूँ, बट मेरी वीडियो कोई भी अच्छी नहीं हो रही है, मतलब अच्छी नहीं जा पा रही है। मैं क्या करूँ, आप लोग बताओ भाई, कि मैं जिससे मेरा वीडियो वायरल हो जाए। और आप लोगों का सपोर्ट मुझे बहुत सारा मिल रहा है, बट कुछ लोग नहीं कर रहे सपोर्ट। तो प्लीज़ मैं क्या करूँ जिससे मुझे आप लोगों का सपोर्ट मिले, प्लीज़ बताना मुझे कमेंट बॉक्स में कि मैं क्या करूं भाई जिससे मेरा वीडियो वायरल हो जाए। तो फ्रेंड, मैं इतनी स्ट्रगल करती हूं, इतनी ज़्यादा कि आप लोग बोलेंगे कि खुद अपनी तारीफ़ कर रही है, बट नहीं, मैंने कभी काम नहीं किया था इतना जितना मैं यहां पे आके कर रही हूं। मतलब आप लोगों को पता कि मायके वाली लाइफ कैसी होती है। मायके में कोई टेंशन नहीं होती है, कमाना तो कमाओ, नहीं कमाना है तो मना भी हो जाता था, बट ससुराल में ऐसा नहीं कर सकते हैं। मतलब कमाना ही पड़ेगा, कमा के ही मिलेगा कोई भी काम हो। तो यहाँ पे देखिए पीछे कितनी अच्छी पहाड़ियाँ दिख रही है इधर से। हम यहाँ भी जाते थे जंगल, बट इस बार नहीं गए, नहीं तो यहाँ से भी आप लोगों के साथ शेयर करती। तो चलते चलते कर रही हूँ वीडियो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, इतना टाइम भी नहीं होता मेरे पास कि मैं सज सफ़र के वीडियो बनाऊं। जैसी भी हूं आप लोगों के, आप लोगों को बता देती हूं जिस हालत में भी जाती हूं। ये देखिए, ये कमरी बनाई है मैंने खुद से, स्वेटर बनाई है, तो ये मतलब पिट्ठू के काम आ जाती है, जैसे रस्सी नहीं चुभती है इससे। तो मैं घास ढोने जा रही हूँ, तो मैंने सोचा इसको भी लगा देती हूँ। चलते चलते ही बनाती हूँ मैं मैक्सिमम वीडियो, घर में तो बहुत कम टाइम मिलता है वीडियो बनाने का। तो पता नहीं आप लोग क्या सोचते होंगे कि कैसी भूतनी जैसी बनी होती है हमेशा हमेशा वीडियो में। तो फ्रेंड, पीछे ये फूल दिख रहे हैं ना, बसुट्टी बोलते हैं हम, बहुत गंदी झाड़ी होती है, इससे ना घास ही नहीं होता है, पशुओं को यही होगी है पूरी चारों तरफ, बहुत ज़्यादा हो गई है। तो सांस फूल रही है, चलते चलते बात करना बहुत मुश्किल होता है। तो अभी रह गया थोड़ा सा, मैंने बाली डाली थी इधर, टाइम नहीं मिलता कब लाऊं, पूरा दिन आज भी बहुत काम था। तो मेरे ससुर जी के जो कपड़े हैं ना बिस्तर ढकने का, तो वो मैला हो गया था, तो आज मैंने उनको वॉश किया। मेरी सांस से नहीं होता वो, क्योंकि उनके पैरों में दर्द है, तो पैरों के साथ करना पड़ता है। बाल्टी में सर्फ डाल के भिगोने के लिए डाला था, फिर डंडे के साथ कूट कूट के उनका ये किया। तो सूरज देखो कैसे जा रहा है पीछे। तो फ्रेंड, थक गई पूरा दिन, वो मैं शेयर नहीं कर पाई आप लोगों के साथ मैंने, क्योंकि मेरी सांस वो अच्छा नहीं लगता वीडियो बनाना, तो मैं चोरी चोरी चुपके चुपके ही बनाती हूँ वीडियो। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं मेरा गांव किस तरह से दिख रहा है, और मैक्सिमम लोगों ने स्लेट डाले हैं, चादर नहीं डाली है, क्योंकि हवा के कारण ना उड़ जाते हैं ये कभी कभी। ओ फ्रेंड, धूप उड़ रही है इस टाइम, तो थोड़ा सा इस तरह से दिख रहा है हमारे गांव। नीचे बना निचला वाला बनार जो हमारा घर है, वहां पे धूप उड़ गई है, तो ऊपर जो गांव है इसमें रह गई है अभी। तो यहां से बहुत ही प्यारा लग रहा था, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। और वहां पे सड़क के पास गाड़ी खड़ी है, तो वहाँ पे हम बोलते हैं बस स्टैंड। तो यहाँ पे खेल रहे हैं इस टाइम, गेम खेल रहे हैं बैट बॉल की, हमारे गांव के ही हैं बच्चे। तो फ्रेंड, ये देखिए हमारे ना पत्थर बहुत होती हैं, जो स्वेद स्वेद दिख रहे हैं पहाड़, उनमें पत्थर ही है पूरे। और जब हम घास लाने जाते हैं तो पूरे ही पत्थर ये ना आपस में मतलब ऐसे टकराते हैं और गड़गड़ाते हैं बहुत, और गिरते भी हैं। और यहाँ से मंदिर भी दिख रहा है, आप लोगों को नहीं दिखेगा, ये है बीच में।
थोड़ा सा दिख रहा है, बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो मैंने सोचा, मेरे को ख्याल आया, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ यहाँ से व्यू किस तरह का है इस टाइम। तो ये सारी जितनी भी साइड दिख रही है गौशालाएं हैं। हमारे गाँव की खास बात ये है कि खड्ड के पारली साइड मतलब दूसरी तरफ जो है सारी गौशालाएं हैं। ये सारी गौशालाएं, ये वहाँ तक बस स्टैंड तक गौशाला ही है सारी। तो हमारे गाँव की खास बात ये है। तो फ्रेंड मैं अभी इतने दूर आ गई हूँ घर से, तो ये देखिए देवदार का पेड़ कितना सुंदर होता है। और मैं जाऊंगी अभी ऊपर, और ऊपर ले जाऊंगी आप लोगों को अपने साथ। ऐसे बीच से थोड़ा सा दिख रहा है मंदिर, ये देखिए। तो यहाँ से भी दिख रहा है बाबा बालकनाथ जी का मंदिर, जहाँ देवदार के पेड़ नहीं है बीच में, जैसे वहाँ पे दिख रहा है। कभी जरूर जाऊंगी तो आप लोगों के दर्शन भी करवाऊंगी वहाँ पे जाके। इस चोटी तक लाया हमने पिछले साल जो है मतलब जंगल से बांध बोलते हैं वो। तो प्लीज़ अगर आप लोग आएंगे तो कभी ज़रूर जाइएगा मंदिर। हम तो काफ़ी बार जाते हैं, गांव का है हमारे, तो हम तो काफ़ी बार जाते हैं, बट आप लोग भी जाइए और दर्शन कीजिए। यहाँ से द्रमन धार बोलते हैं वो दिख रहे हैं गांव। तो मैंने इनको निकाल दिया है, तो मैं अब खोलूँगी और फिर भरूँगी रस्सी में। फ्रेंड यहाँ भी लगाए हैं देवदार के पेड़, अभी ये छोटा ही है। तो मैं अभी बहुत ऊपर आ गई, यहाँ से नहीं दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा सा दिख रहा है गांव। और मेरे को ना जुखाम हो गया है, गले में दर्द भी हो रही है। घालूनू बोला घाणिए पुले पानी पड़े से हो खाचो दे आवला डिगना गप्पा मार दी वैसे हो शाबाशे शाबाशे शोरिए अंधे नखरे वाली हो अंधे के रूते ये नखरे साती लो फिरी जाली। तो फ्रेंड मैं ऐसे ही बड़बड़ाती रहती हूँ, बड़बड़ करने की आदत है। मेरे पति तो दुखी हो जाते हैं मेरे से, इतना बोलती हूँ मैं, खाते टाइम कमाते टाइम। जैसे हम घास ढोने जाते थे तो पीठ में बोझ जाता था, मैं बड़बड़ करती थी, मेरे हस्बैंड को गुस्सा आ जाता था, बोलते चुप नहीं रही है, रह सकती है तू, बड़बड़ करती रहती है 24 घंटे। तो ये पहुंच गई मैं घास के पास, ये डाला है मैंने थोड़ा सा ये इधर और थोड़ा सा यहाँ पे, यहाँ पे हरा घास भी हो गया थोड़ा थोड़ा सा। दिल हूँ करे। तो फ्रेंड मैं आपको आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ, ये देखिए ये हो गए हैं फ्लावर, बहुत ही प्यारे हैं। इसको बोलते हैं हम कत्थी बोलते हैं इसके फूल, ये बहुत ही प्यारे हुए हैं। इसके ना धांदलू बनते हैं, जैसे चिल्लू टाइप बनते हैं, बहुत ही टेस्टी होते हैं, बट मुझे बनाना नहीं आता है, नहीं तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती। ये देखिए बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही यम्मी होती हैं, बोल रही थी दीदी उन्होंने बनाए थे। और फ्रेंड यहाँ ना चारों तरफ जंगल ही है, और मेरे को लगता है डर, तो मैं बड़बड़ाती रहती हूँ, और आप लोगों का साथ है ना मेरे साथ, तो मुझे तब डर नहीं लगता है। वैसे तो बहुत जंगल है देखिए, और मैं अकेली हूँ इस टाइम इधर। तो मैं ना निकाल रही हूँ अब पेड़ों से इनको, खोलूंगी और फिर भरूंगी। आज मैंने लक्कड़ नहीं लाया, आज थोड़ा ही है घास, तो रस्सी में ही भर के ले जाऊंगी।
दिल हुम हुम करे घबराए, दिल हुम हुम करे। तो फ्रेंड मैंने ये बोझा भर दिया है, तो मुझे ना पीठ में उठाने की आदत है, क्योंकि मैंने माइक में कभी भी सर के ऊपर नहीं उठाया है, तो मेरे से ज़्यादा वजन नहीं उठाया जाता है, नहीं तो मेरी ये कैड़ी ना पूरी दुख जाती है, ना ऐसे होता है ना ऐसे होता है, तो उसके कारण मैं पीठ में ही उठाती हूँ बोझा। तो फ्रेंड आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, और प्लीज़ मेरी वीडियो को ना पूरी वॉच किया करो, तो ताकि मुझे वॉच टाइम मिले प्लीज़। सो और एक और रिक्वेस्ट है कि मेरा सेकंड चैनल है सिंगर शोभा ठाकुर से, तो प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब करना, अगर सब्सक्राइब मतलब मेरी वीडियो अच्छी लगती है आप लोगों को, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अब मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में।